आज भाई घर में चल रही है तोड़फोड़, मतलब कि अब बनेगा मकान। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी भाइयों को राम राम दिल से। सुबह सुबह मम्मी मैं बाहर खड़ी थी, पता नहीं क्या देख रही थी, मैं भी जाकर देखने लगा, बहुत देर से खड़ी है मम्मी। ओहो ये बात है, बेडशीट वाला खड़ा था, तो मम्मी को बेडशीट लेनी थी क्या? तो मैं मम्मी से पूछने लगा। हाँ मम्मी हंसकर बोली, हाँ लेनी तो थी पर वो डबल बेड की दे रहा। तो मैंने कह दी बंद कर दो, हमारे डबल बेड ना, डबल बेड की ना, डबल बेड की बेडशीट। तो दोस्तों ये कहानी होती है भाई, जब नहीं चाहिए थी तो रेट की पूछने लगी मम्मी। हमारा डबल बेड है ही ना, हमारा तो सिंगल बेड। देख लो सास और बहू दोनों लगी पड़ी। तो दोस्तों भाई ये डबल बेड ना, ये सिंगल सिंगल बेड है, सिंगल सिंगल बेड को मैंने डबल कर रखा, मतलब सिंगल इधर दो, दो मिलके हो गए डबल बेड। दोस्तों जैसे मैं सुबह सुबह कमेंट पढ़ रहा था तो मेरे पास ये कमेंट आई, आपके पापा कहाँ है भाई? मेरे पापा मेरे पास ये दिल में है हमारे, वैसे तो भगवान के पास है। तो दोस्तों जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ना, उन लोगों को नहीं पता इसलिए भाई बताना पड़ता है। तो भाई गाड़ी आप बहुत दिन बाद देख रहे हो मेरे यहाँ पर खड़ी। ओ भाई पड़ोसी भाई टायर लगा रहे हैं, ये देखो भाई बहुत बढ़िया। और हम पड़ोसी है और पड़ोसी पड़ोसी। नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं जल रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं फूक रहा, नहीं 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 नहीं। तो गाइस बहुत सारी कमेंट आती है कि भाई आपकी अल्टो गाड़ी कहाँ पर है, तो भाई वो भी मेरे पास ही है, मामा के घर पे खड़ी है, वैसे वो मेरे पास ही है, ठीक है। ओ भाई सुबह सुबह भाई मुझे तो लक्ष्मी मिल गई और मैंने भाई माथे से चूमी, भाई ये भगवान ऐसी लक्ष्मी मिलती रहे मुझे। पर मैं तुम्हें बताऊं ये मैंने रख रखे हैं यहाँ पर, जय श्री राम। तो गाइस इसी के साथ भाई एक्सीलेटर पर पैर रख के मैंने तो भाई चाबी घुमा दी, अबे हो नहीं रही, हो गई। इसी के साथ बोलो भाई सुबह दोपहर शाम जय श्री राम, लिख दो कमेंटो फटाफट। तो भाई टाइल्स तो बहुत अच्छी लगाने लग रहे, देखियो यार कितना अच्छा कलर है, वाह भाई वाह। पड़ोसी तरक्की कर रहे बहुत अच्छी बात है, इसमें भी नाम मेरा ही है। अरे सर्दी आ गई अब झूठ बोलना शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि मैं क्या आया हूँ। तो गाइस ऐसी ऐसी रील देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आ गया सीधा किचन में, किचन में मैंने लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद नया वाला चूल्हा अपने लोगों ने कल देख लिया होगा व्लॉग में। तो दोस्तों ये नया चूल्हा भाई मैं कल लेकर आया हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कल करी थी, देख लेना व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो। इसी के साथ भाई कुकर में लेते हैं भाई पानी फटाफट से, और मम्मी की आवाज आई क्या कर रहा है रसोई में, क्या कह रही हो? कुकर में क्या कर रहा, पानी करूँ गर्म। फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुके हैं, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि गरम गरम पानी में अब नहाया जाए करेगा, गरम गरम पानी में। तो भैया जितना गरम पानी होएगा इतना मैं कर लेता हूँ अपने शरीर को गरम, मतलब कि करता हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, आप भी करा करो डेली डेली एक्सरसाइज। और इसी के साथ दोस्तों ये आज की सेल्फी फिर से देता हूँ मैं, रुक जाओ ढंग से तरीके से। ये लो ये आज की सेल्फी, कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना। तो सेम जगह एक घंटा आगे दोस्तों नहा धो के तैयार सोना लग रहा हूँ। ओ भाई ऐसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब गरम गरम है, नहा के आया हूँ ना तो थोड़ा ठंडी सा लग रहा है, वैसे भी गरम पानी से नहा के आया ऊपर यार, ऐसे गरम गरम करने में प्रेस अच्छा लगता है। ओ भाई जैसे भाई मैं हटा रहा था प्रेस तो भाई ये स्विच हाथ में आ गया, मुझे इससे पहले मम्मी देखे तो भाई मुझे स्विच लगा देना चाहिए वरना भाई मेरे लगेगी थप्पड़। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हो भाई, फटाफट मैंने भाई स्विच को लगा दिया, ऐसी कैसी जैसे लगाना होता था, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसको चिपका देता हूँ, मम्मी को पता नहीं लगा, पर यार उससे पहले मम्मी को पता लगता, बट ये लग नहीं रहा यार, टाइम लगेगा इसमें तो करना। जैसे मैं भाई स्विच को लगा रहा था भाई तुरंत भाई मम्मी आ गई, तो गाइज हमारे यहाँ पर इनको बोलते हैं नोड़ते, जो कि भाई सिस्टर दशहरे पे हमारे कानों पर रखती है, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं बताओ कमेंट में। प्रेस को गर्म करके भाई मैंने फटाफट अपनी टी शर्ट पर कर ली भाई प्रेस, आज तो बहुत ज्यादा बेकार लग रही है। देखो दोस्तों स्विच भी ठीक कर दिया और इतनी दूर से लगा के यहाँ तक लानी पड़ती है हटा हटा के, जब भी तो स्विच खराब हुआ है ये, मतलब पहले गर्म करो फिर हटाओ फिर लगाओ, ये सिस्टम है। और गाइस टी शर्ट पहनने के बाद मैं लग रहा हूँ सोना, काफ़ी टाइम बाद भाई मैंने ये कलर की टी शर्ट पहनी है, मेरे पुराने ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा ये टी शर्ट आ रही है। मैं तुम्हें बता दूँ आज घना सोना सा लग रहा हूँ मैं अपने आप को, जब कभी कभी तो मुझे डर लगा कि यार मेरी नज़र मुझे खुद को न लग जा, हाय। तो इसी बात में मम्मी को करी चुम्मी और भाई मैंने बोला मम्मी थैंक यू सो मच, मैं पीछे को भी हट गया, कभी मम्मी थप्पड़ मार दे तो एक दो किस करके भाई मैं हट गया। जय श्री राम। इसी के साथ काफी टाइम बाद अपनी बहन से करी थोड़ी सी बातें, सुख दुख की बतला ली, क्या हाल चाल है क्या नहीं है, ये वो डिगरा फुलाना ये सब बातें कर ली और इसको थोड़ा सा परेशान कर लिया मैंने कॉल पे दांत फाड़ फाड़ के। बातचीत करने के बाद अपने लगा लिए मैंने अलाइनर और अलाइनर लगाने के बाद मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ। तो जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ अपने ताऊजी के घर पर क्योंकि मुझे मिलना है, थोड़ा सा जरूरी काम है, चलो चलते हैं फिर लेट्स गो। और मेरे ताऊजी का लड़का कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, जिसने कर दिया हाय हाय आप भी ले लो इसकी हाय हाय। तो मैं बालों पे हाथ मारता हुआ सीधा गया ऊपर क्योंकि मैंने सुना है कि ताऊजी है ऊपर।
ओ भाई ऊपर आके देखा मैंने तो यहाँ तो तोड़फोड़ चल रही है, मतलब कि मकान की तैयारी चल रही है। मकान भाई टूटने लग रहा है, फिर टूट के फिर दोबारा बनेगा। और ताऊ जी हमारे ये बैठे स्माइल करते हो, ताऊ जी कह रहे कुछ मत छोड़ियो, मैं कह रहा कुछ ना छोड़ने का, लाइक करो फॉलो करो। तो दोस्तों इसी के साथ भाई ताऊ जी भी मेहनत कर रहे, तो मैं भी सोचने लगा क्यों ना ईंट का मसला मैं भी उतार दूं, क्योंकि भाई मैं भी एक पक्का मिस्त्री हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राम राम जी, कैसा आना हो गया रात में? अच्छा चूल्हा, कैसा लग रहा चूल्हा? मेरी पसंद है न, मम्मी की है। कैसी बात है, मेरी पसंद है। अरे मतलब तुम्हारी शादी की तैयारी पक्की है? आंटी घोड़ी के आगे नाचना, नहीं नहीं घोड़ी के आगे आगे नाचेगी, देख दिमाग खराब। पीछे और से नाचे है। आगे नाचेगी ना, डीजे पे नाचेगी, ढोल पे ना, बता जो तू कहते कि वो बुक हो जाएगा। अभी हो जाएगा बुक, अरे हो जाएगा बुक, अभी एक महीना है ब्याह का, एक महीना है ब्याह का, अभी नाचेंगे सारे। भैया ये जो मैं सुंदर सुंदर सा लग रहा है दोस्तों, मैं नहीं लग रहा है, घोड़ी पर चढ़ने की तैयारी आ चुकी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको। इसकी आदत कैसे सुधरेगी? इस भाई से आपको देख, अपने को छोटे वाले को देख, छोटे वाले को देख, नहीं वो बात तो ठीक है, पर हम सारे वहाँ मीटिंग की बात है, घोड़ी गाड़ी की बात चल रही है वहाँ। फोन में लग रहा है बता। तो भाई मेरी चाची आई थी, मैंने सोचा मेरे से मिलना आई, पर वो बैग लेना आई, क्योंकि वो बैग में कपड़े लगाएगी और दो तीन दिन गुजारी अपने घर, और घर में ब्याह है, बताओ ये जा रही है क्यों जा रही है? चाची घर में ब्याह है और तू कहाँ जा रही है? मैं यार दोस्तों मैं क्या होता हूँ, मैं नाचना तुझे ही पड़ेगा, आगे नाचेगा पीछे नाचेगा वो डिसाइड करेगा तू। अरे भंडारे में से लाया चप्पल, हटिए है भाई, भंडारे में से चप्पल लाया है ठाके। तो दोस्तों चाची का लड़का छोटे वाला, अरे भंडारे में से चप्पल लाया, जिस भाई की भी चप्पल हो भंडारे में से खुई हो वो लेके चले जाइए उसके पास है। तेरी चप्पल का है? इसकी चप्पल भंडारे में से किसी और ने ठा ली, ये वाली ठा लाया, सिस्टम ही बिगाड़ दिया। दोस्तों बाहर एकदम अंधेरा हो गया और शाम की हो रही है एकदम ठंड, तो पची है ठंड। जब भी तुम्हें ऐसा लगा ना कि अकेला अकेलापन सा है, स्ट्रेस है दिमाग में, डिप्रेशन है, ये सब डिगड़ा फलाना है, तो एक काम करा करो, बाइक उठाया करो और रास्ते पर चल दिया करो, जिसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव। अगर बाइक ना हो तो साइकिल, और साइकिल ना हो तो गाड़ी, और गाड़ी ना हो तो भैया पैदल निकल जाया करो एकांत शांत वातावरण की तरफ, भैया इतना सुकून मिलेगा खुद को घना। वरना एक रूम में पड़े रहोगे, बैठे रहोगे तब दिमाग चल जाएगा, तुम पता नहीं क्या क्या सोचोगे। मैं उन्हें बोल रहा जो डिप्रेस रह, जो डिप्रेशन में रह, जो सैड से रह, उदास रह, उन्हें कह रहा मैं। वरना तो लाइफ तो कैडी है ही यार, जिंदगी तो।